क्वेश्चन नंबर 74 में अ रॉड हुज एंड्स आर ए एंड बी ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर हैंग्ड इन अ वर्टिकल प्लेन व्हेन हैंग्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी द टाइम पीरियड्स कैलकुलेटेड आर 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड आर इन द रेशियो 9:4 अबाउट ए एंड बी. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए. देखिए अच्छा क्वेश्चन है. पॉइंट ए पॉइंट बी ये पूरी रॉड का लेंथ दिया हुआ है हमको 25 सेंटीमीटर. लेकिन ये रॉड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म होगी तब तो सेंटर पे सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. अब कह रहा है कि अगर हम पॉइंट ए के अबाउट, तो हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ निकालनी है सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट बी से उसका डिस्टेंस आ जाएगा 25 माइनस एक्स. तो अगर हम इसको व्हेन हैंग्ड अबाउट ए, तो देखो अगर हम ए पॉइंट के अबाउट हैंग करते हैं इसको, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा 2π√. अब ध्यान से देखना, आई अबाउट ए ठीक है एंड अपॉन एम जी डी, डी की जगह एक्स आ जाएगा. तो लेट्स से वी कॉल इट इक्वेशन वन. एंड सिमिलरली व्हेन हैंग्ड अबाउट बी, तो देखो बी के अबाउट हैंग करेंगे अगर, तो टाइम पीरियड बी के अबाउट हो जाएगा टी बी इज इक्वल टू 2π√ आई अबाउट बी अपॉन एम जी. अब लेकिन जी बी से डिस्टेंस लिखेंगे तो वो 25 माइनस एक्स होगा. अब इस क्वेश्चन में हमको टी ए टी बी का रेशियो दिया हुआ है, हमको इस क्वेश्चन में आई ए और आई बी का भी रेशियो दिया हुआ है. तो अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू, तो हमको देखिए क्या मिलेगा. तो इधर मिलेगा हमको टी ए अपॉन टी बी, तो टी ए अपॉन टी बी का हम कर देते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू आई ए अपॉन आई बी. तो आई ए अपॉन आई बी मिलेगा 9/4 और जो x और 25 माइनस एक्स है तो ये पलट जाएगा, 25 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा. तो देखो इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं अगर, तो ये 9 इस 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 एक 4 से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आएगा x इज़ इक्वल टू 100 माइनस 4x. तो यहाँ से x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आती है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है.